नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी दर्शकों का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार घनघोर वर्षा हो रही थी और एक बड़े वृक्ष की बड़ी सी डाली बीच सड़क पे गिर गई थी। ट्रैफिक जाम हो गया था, लोग हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि इसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इतने में एक छोटा बच्चा कार से निकलता है उस बारिश में ही और उस टहनी को हटाने की कोशिश करने लगता है। उसको देख करके और भी लोग उतरते हैं और क्षण भर में वो टहनी हट जाती है, रास्ता साफ हो जाता है। कहने का भाव, चिल्लाने या कहने से ज़्यादा बेहतर है करना। कुछ ऐसा ही संदेश लिए हुए है आज का सुंदर सुवाक्य। श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। कन्फ्यूशियस। मित्रों, आत्मा के तीन पहलू, सोचना, बोलना और करना। इसमें हम आमतौर पर किसी को समझाने के लिए बोलने का उपयोग ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अगर बोलना ही काफी है लोगों से काम लेने के लिए, तो हर कोई विजयी है। निसंदेह संसार वाणी से प्रभावित हो जाता है, लेकिन कर्म का प्रभाव इतना अधिक होता है कि लोग वचनों को भूल जाते हैं और कर्म को सदा याद रखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम समाज को मूल्य सिखाने की कोशिश करने से ज्यादा खुद को बदलने और एक बेहतर इंसान बनने पर ध्यान दें। याद रखें, मूल्यों को सिखाया नहीं जाता है, इसे केवल श्रेष्ठ कर्मों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो, अच्छी हो। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सभी के लिए। क्योंकि मान लीजिए, यदि आप कोई महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जीवन में कैसे उथल पुथल की स्थिति पैदा हो जाती है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खास करके स्टूडेंट्स तो ये कहते ही हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसीलिए आज आपके लिए बहुत ही सुंदर मेमोरी टिप्स लेकर हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि अब के बाद आप कुछ भी भूलने वाले नहीं हैं। आज हम मेमोरी को बढ़ाने के तरीके देखेंगे। 4 बादाम को दूध में भिगोकर लेने से मेमोरी बढ़ती है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर होती है। ब्रोकोली, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे न्यू ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं। रात को स्पेस्ड रिपीटेशन करने से, जैसे कि बार बार कोई भी चीज़ को दोहराने से, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। ब्रोकोली में, पम्पकिन सीड्स में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, B12 जैसे विटामिन्स होते हैं जिससे मेमोरी पावर एनहांस होती है। निमोनिक्स, स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, चेस जैसी गेम्स खेलने से माइंड पावर इंक्रीज होती है। प्राणायाम करने से, योगा एक्सरसाइजेस करने से ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ता है और फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। शुद्ध विचार, पवित्र वृत्ति से बुद्धि दिव्य होती है और माइंड पावर बढ़ता है। तो ये थे आज के मेमोरी एनहांस करने के नुस्खे। ओम शांति। मित्रों, इन टिप्स को अमल में लाएं और टॉपर बन जाएं, यही हमारी कामना है। क्या आप जानते हैं कि डांस हमारे मन को प्रसन्न करता है, आनंदित करता है, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और यही कारण है कि प्राचीन भारत में नृत्य को भी विशेष जीवन में दर्जा दिया गया था, और इसीलिए आज स्पिरिचुअल इंडिया में हम भी आपके लिए लेकर के आए हैं भरतनाट्यम। तो चलिए तमिलनाडु की ओर चलते हैं और भरतनाट्यम नृत्य का आनंद लेते हैं। ta
Tamil language was the first to be classified as a classical language and longest surviving classical languages in the world. And this is a part of Varnam about Tamil Annal. This Varnam was composed by Madurai Sri Ramachandra Muralidhar in Peace of Tamil Nadu, a mother language. Ancient literature, Tolkapiyam. Tamil language is defined as the Muttam. It means ear, essay, and nadaka. Iyattamil is a written form of poem which was written by Tamil poets. Isai Tamil is a form of music. Many Tamil songs were written by the Tamil poets. Devaram is one of the most famous songs written by the Tamil poet. In Devaram, the poet explained the beauty of Nadraja, that he wear the jewels and skin of tiger and have Ganga river on his head. Nadaka Tamil is in the form of drama which going to perform in the stage. भरतनाट्यम से आनंदित मन के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसमें प्रोफेसर राजीव शर्मा जी हमें कुछ महत्वपूर्ण गुदगुदाती हुई बातें बता जाते हैं। थोड़ी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन बहुत ही जीवनोपयोगी होती है। आइए जरा उन्हें भी सुनते हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। हमारे दादाजी ने 2 रुपए शेर घी पिया था, हमारे पिताजी ने 2 रुपए शेर दूध पिया है, हम 20 रुपए में 1 लीटर पानी की बोतल पी रहे हैं, हमारी औलाद 20 रुपए में 1 पाव घास खाएगी और तभी तो महाराणा प्रताप की वंशज कहलाएगी। नमस्कार मित्रों, हमारे देश के लिए गौरव की बात कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्ष धूमधाम से मना रहा है, शहीदों को याद कर रहा है, अमर बलिदानियों को याद कर रहा है और देश को एक नए मुकाम की ओर ले चलने के लिए सभी जी जान से प्रयासरत हैं सरकार के साथ। ब्रह्मा कुमारीज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करने जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की सहयोग से और सरकार की अनुमति से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम आयोजन किया है। इसको सारे भारतवर्ष में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा केंद्र और विभिन्न वर्ग के भाई बहने जोड़ करके एक विशेष समारोह का आयोजन किया। उसका उद्घाटन 20 तारीख सुबह प्रातः 10:30 बजे माननीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। श्री जी किशन रेड्डी
जो सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री जी है वो भी उपस्थित रहेंगे। इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। लगभग हम लोग 30 कार्यक्रम को इस साल जनवरी टू दिसंबर तक आयोजन करेंगे अलग अलग स्थानों पर। सारी देश में 75 से अधिक कार्यक्रम करेंगे और हर कार्यक्रम को लगभग हमारा टारगेट है एक 10 करोड़ पॉपुलेशन को रीच करने के लिए। और इस कार्यक्रम को हमारा संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी के अध्यक्षता में देश के विदेश के भाई बहन भी जुड़ कर के भी सहयोग देंगे। इसके लिए मैं सबको इस देशवासियों से आह्वान करता हूँ, हम सब मिलकर के एक स्वप्न भारत का स्वप्न, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, भव्य भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य में जुड़ेंगे। ओम शांति। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। तो सुंदर प्रयास हमने देखा मित्रों कि आजादी के अमृत महोत्सव को कैसे ब्रह्मा कुमारीज मनाने जा रही हैं। हम सबका दायित्व है कि अपने देश को शिखर की ओर ले चलें। मैं कितना प्रयास कर सकता हूँ, कितना बेहतरीन अपने देश के लिए कर सकता हूँ, ये मुझे व्यक्तिगत सोचना है। ये नहीं, ये सरकार का काम है, एनजीओस का काम है, अन्य बड़े बड़े लोगों का काम है, नहीं। हम में से हर एक भारतवासी ये बीड़ा उठा ले कि मैं अपने लेवल पे बेहतरीन करूँगा। और जब ये संकल्प हम ले लेंगे तो सचमुच ये अमृत महोत्सव हमारे देश को पुनः विश्व गुरु की ओर ले चलेगा। तो इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ कि हमारा देश पुनः शिखर पर आरूढ़ हो, लेता हूँ आपसे इजाज़त। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।